बिस्मिल्लास मैं मोहम्मद फयाज़ वीडियो फयाजोर डॉट कॉम की जानव से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ तो वीवर्स वीडियो सीरीज के अंदर जो हम लोग एस क्यू एल का कोर्स रन किए हैं और हम लोग क्यूरी सीख रहे हैं और काफी आगे तक भी पहुंच चुके हैं तो विवर्स अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो किस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं सिलेक्ट की क्यूरी से और विवर्स अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो टूटोरियल डॉट कॉम पर आइए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है ठीके? और विडियो टूर डॉट कॉम से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जस्ट आपके पास एक जी मेल आई डी होनी चाहिए और उसमें आप लॉग इन हो जाइए ठीक है और वीडियोज आके शेयर भी कीजिए मैं आपसे कहूँगा जो कुछ आपको आता है और शेयर किस तरह से होती है विवर्स इसके हवाले से आप वीडियो टूटोरियल डॉट कॉम पर आकर देख सकते हैं तमाम की तमाम जो है वो वीडियो वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप मेरे इस आईडी के ऊपर फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म को जस्ट आ, इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जिसके अंदर कोई एजुकेशन की चीजें शेयरिंग होती हो जस्ट कोई ऐसी साइट हो एक तो विवर्स मैं आपके फीडबैक का भी वेट करता रहूंगा तो वीवर्स अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और हम लोग सर्च की क्यूरी करते हैं तो हम अपने डेटाबेस के अंदर आने के बाद हम यहाँ चलते हैं ठीक है और हमने जो डेटा बेस क्रिएट किया था हमारे पास एग्जाम्पल के नाम से था और हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे एम्प्लॉय है ठीक है और हम एक काम क्या काम कर लेते हैं यहाँ पर एस में चले जाते हैं और हम लोग सर्च की क्यूरी लगा देते हैं सर्च की क्यूरी की क्लास हो रही है तो हम लोग सर्च की क्यूरी करते हैं ए सी एल ई सी टी स्लैग एन एम इन नेम एफ आर ओ एम फ्रॉम ई एम पी डब्ल्यू एच ई आर ई वीयर एन एम इन नेम ए लाई के ई लाइक और उसके बाद व्यूअर्स में आपको क्योरी लिखने के बाद बता देता हूँ कि हम क्या कर चुके हैं फाइव परसेंट तो विवर्स मैं आपको बता दूं कि मैंने ये क्यूरी लिखी है बड़ी ही सिंपल सी क्यूरी है जस्ट इसके अंदर लाइक का एक नई चीज है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो विवर्स सिंपली हम लोग सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट किया हमने ठीक है जिस कॉलम को हम देखना चाहते हैं फ्रॉम टेबल नेम और फिर उसके बाद वेयर का क्लॉज भी आपको पता है कि अब क्या करता है अब आपको इतना आइडिया हो चुका होगा फिर उसके बाद हम जिस कॉलम से मैप करवाना चाह रहे हैं ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सर्च की क्यूरी है तो हम लोगों ने क्या काम किया सबसे पहले आ, उसी कॉलम को यहाँ पर जो नेम दे रहा हूँ ये हमारे डेटाबेस के टेबल के कॉलम के नेम में ये चीज आपको याद रहे ठीक है यहाँ पे जो जिस आप जिस कॉलम के कॉलम से आप मैप करना चाह रहे हैं डेटा को उसी का नेम देना है जिस कॉलम को व्यू करना चाह रहे हैं उसी का नेम देना है ऐसा नहीं कि कोई ये की वर्ड है नेम ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बाद में ये की वर्ड की हैसियत इख्तियार कर जाता है जब हम इसको कॉलम का नाम नेम देते हैं ठीक है और बीबर्स uh, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नेम की जो है वो नेम से जो है वो हम डेटा को मैप कराएंगे और बस यहाँ पर मैंने लाइक like का वर्ड लाइक uh, like का कीवर्ड जो है मैंने यूज किया है इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं ठीक है और उसके बाद मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर आपको इक्वल जो है वो लगाना ज़रूरी नहीं होता है ठीक है यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे आप बल्कि लाइक like के बाद और इन प्रथिसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने क्या कम करना है परसेंट के जो साइन है आप देख रहे होंगे फाइव शिफ्ट के साथ फाइव को आप प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन आ जाएगा तो ईवर्स ये जो मैंने परसेंट के साइन के जो है वो बिटवीन जो मैंने चीज़ लिखी है मोहम्मद जो मैंने लिखा है तो ईवर्स यहाँ पर हमें ये बता देगा इससे हम लोग ये ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको इस पूरे नेम के कॉलम में फॉर एग्जांपल नेम के कॉलम में हमारे पास एक हजार रोज हैं तो एक हजार रोज के अंदर जहां पर भी मोहम्मद है उस नेम को शो कर दे ये सिर्फ ठीक है तो विवर्स अब हम क्योंकि हम लोग सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करते हैं तो कोई छोटा सा वर्ड लिख रहे होते हैं जैसे एम यू या एम ओ एच ए तो उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो विवर्स वहां पर क्या हो रहा होता है कि जस्ट वहाँ पर आ, करेक्टर के ऊपर ही मतलब इसी तरह से सर्च की क्यूरी लगी हुई होती है वहीं से और जैसे जैसे डेटा उसको इस हवाले से जो जो वर्ड आप लिख रहे होते हैं वहाँ पे जो जो मैपिंग हो रही होती है तो फौरन से वो उसी का जो है वो रिजल्ट आपको दे रहा होता है उसी से फौरन फौरन दे रहा होता है और वीवर्स वो जो है आप देख रहे हैं ऑटो कंप्लीट सर्च की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिंपली मैं जस्ट आपको सर्च बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो ऑटो कंप्लीट सर्च तो एक डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात हो जाती है और वो एजेक्स के थ्रू हम लोग ज़्यादातर करते हैं ठीक है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू तो वीवर्स जस्ट मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि लाइक का की हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं वेयर नेम लाइक like, यानी हम नेम से जो है वो मैप करवाना चाह रहे हैं तो लाइक like का कीवर्ड हमने यूज किया दो परसेंट के साइन यूज़ किए और बिटवीन जिससे हम जो वर्ड हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इससे मैप हो जाए हमारा डेटा तो अब जिस जिस जि, जिस नाम में भी मोहम्मद है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और वीबर्स हम लोग जब पी का कोर्स करेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र से अब यही यहाँ पर जो मैंने मोहम्मद लिखा है यही चीज़ हम लोग वेरिएबल से पास करवाएंगे वहाँ क्यूरी में और यूज़र वहाँ पर कोई वर्ड लिखेगा और फ़ौरन से हम उसके पास सर्चिस के रिजल्ट आ जाएंगे तो वीवर्स मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ और वीबर्स अगर आपको जो है वो आ, उसका आइडिया नहीं है फ, मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है यकीन कोई सेंटेक्स एरर होगा ठीक है मैं यहाँ पर एरर को देख लेता हूँ क्यूरी के अंदर कि मेरे पास एरर क्या है तो अविबर्स अगर आपको कॉलम किस तरह से सिलेक्ट होते हैं मल्टीपल कॉलम्स वगैरह किस तरह से सिलेक्ट होते हैं ये और इसके अलावा ये कि हम लोग वेयर का क्लॉज क्या करता है उसके बाद और ये सारी चीज़ें अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारी वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम पर आकर प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं तो अवेबर्स मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर मुझे एल आई विवर्स मैंने यहाँ पे लाइक like की जगह एल आई एल ई लिखा हुआ है ठीक है तो अब आप ये देख रहे हैं ये अच्छी बात है कि आपके सामने भी कुछ एरर्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं तो विवर्स यहाँ पर आपने के ई लिखना है क्योंकि के ई इसका लाइक like, आपने ट्रू जो वर्ड लाइक है आपने वही लिखना है ठीक है और इसके अंदर इक्वल की जरूरत भी नहीं होती है इसका सेंटेक्स ही ऐसा है और जब आप जब आप कीवर्ड गलत यूज करेंगे तो आपको एरर ही आएगा ठीक है और क्योंकि इसकी अपनी एक लैंग्वेज है तो अब आप यहां पर देख रहे हैं हम लोगों ने इसको बताया था कि जिस जिस नाम में भी मोहम्मद है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाए तो एवर्स यहाँ पर कि एक ही नाम के अंदर मोहम्मद यूज हुआ हुआ है मोहम्मद फयास तो व्यवर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गया तो अब आपको आइडिया होगा कि हम लोग सर्च इंजन या सर्च की क्यूरी जो है वो किस तरह से लिखते हैं तो वीवर्स अब हम लोग मजीद चलते हैं और हम लोग इस लाइक like की कीवर्ड को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं हम ये भी बता सकते हैं कि जिसके नाम में पहले मोहम्मद है उसको शो कर दें जिसके नाम में बाद में मोहम्मद है उसको शो कर दें ऐसा भी कर सकते हैं जिससे हम लोगों को परसेंट के साइंस है इसकी चेंजिंग करनी है तो मैं करता हूँ ए सी एल ई सी ए सी एल ई सी फ्रॉम ई एम पी यानी टेबल नेम डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर एन एम ई नेम एल आई के ई लाइक उसके बाद मैं एक काम ये कर लेता हूँ और मैं परसेंट के साइन में यहाँ पे एक टेस्ट और कर लेता हूँ ए लिख कर मैं देख लेता हूँ कि कहीं किसी के नाम में भी बीच में ए यूज़ हुआ है तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है तो वीबर्स मैंने यहाँ पर दोबारा से कोई सेंटेक्स की मिस्टेक की है नेम। तो वीवर्स मैं हमेशा से लाइक का कीवर्ड लिखने ही में मिस्टेक कर रहा हूँ जहाँ तक मेरे ख़्याल में मैंने यहाँ पर अब के की जगह को और ही लिख दिया है एल आई के तो जी वीवर्स अब मेरा कीवर्ड सही हो चुका है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखा देगा जिस जिस नाम में ए यूज़ हुआ है तो वीवर्स अब आप देख रहे हैं ये सेंटर का मतलब ये होता है ये जो हम लोग परसेंट के दोनों परसेंट के साइन डालते हैं और उसके दरमियान जो हम वर्ड लिखते हैं कोई अल्फ़ाबेट या कोई करेक्टर लिखते हैं तो विवर्स इसका मतलब होता है कंटेन यानी अगर ऐसा अगर कोई एक करेक्टर भी इसके अंदर ये मौजूद है पूरे वर्ड के अंदर इस पूरे डेटा इस पूरे जो हमारे कॉलम है इसके अंदर कोई ऐसा एक करेक्टर भी मौजूद है तो वो पूरा हमारे पास रिजल्ट शो कर दे जैसे हम ए भी लिखते हैं गूगल पे तो आपके पास पूरा एक रिजल्ट आना शुरू हो जाता है ए से जो जो उसके अंदर जो भी जिसमें भी ए यूज़ हुआ होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास मोहम्मद फयाज़ में भी ए है फयाज़ में भी ए है सदफ़ में भी ए है साहिल में भी ए और अहमद में भी ए है तो वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो सारे के सारे ही मैप करके

तो वीबर्स मैं एक काम ये कर लेता हूँ अब मैं ये कह दूँगा कि भाई जिसके नाम के एंड के अंदर जो है ना आ, हम ये कह देते हैं हमारे पास कोई ऐसा वैसा नाम है नहीं है इस तरह से फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर मुझे एंड के अंदर मोहम्मद हाँ ठीक है ना यहाँ पर मैं कहता हूँ एम ओ एम ओ एच ए डबल एम ए डी मोहम्मद और मैं मैं क्या कहूँ मैंने परसेंट का साइन लगा दिया तो यहाँ मैंने क्या लिखी है कि वही सिंपल क्यूरी लिखी है ठीक है लाइक के बाद मैंने क्या काम किया है कि पहले मोहम्मद लिखा है एंड में फिर मैंने क्या काम किया कि परसेंट का साइन लगा दिया तो अब इसका ये मतलब होगा कि जिसके नाम के एंड में जो है वो मोहम्मद होगा उसको शो करेगा तो यकीन हमारे पास इस टेबल के अंदर कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसके एंड में मोहम्मद हो तो विवर्स मैंने जो है वो मैं आपसे सॉरी मैंने एक काम ये कर लिया के उस कीवर्ड के मैंने बाद में जो है वो यूज़ किया है परसेंट का साइन जो है मैंने ए सी एल ई सी टी सेलेक्ट एन एम नेम फ्रॉम ई एम पी डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर एन एम नेम एल आई के ई लाइक और मैं जो है बाद में जब सेक करना चाहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे परसेंट का साइन डालकर और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा M एच -E D उसके बाद मुझे ये लिखना होगा ओबियस सी बात है कि मैंने क्या काम किया था कि पहले मोहम्मद लिख के और फिर बाद में जो है मैंने परसेंट का साइन डाला था इसका मतलब ये होगा कि जिसके नाम की स्टार्टिंग में मोहम्मद होगा तो वो शो हो जाए लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसके नाम के एंड में मोहम्मद हो वो शो हो जाए तो व्यूवर्स ऑब्वियसली बात है हम पहले परसेंट का साइन डालेंगे और फिर उसके बाद मोहम्मद लिख देंगे यानी जिस पे हम मैप करवाना चाह रहे हैं कि जिसके नाम के एंड में मोहम्मद है तो वो शो हो जाए तो अब हम देखते हैं ऐसा हमारे पास कोई है नहीं है और जी व्यूवर्स तो अब आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट एम आ रहा है क्योंकि कि किसी के नाम के एंड में मोहम्मद है ही नहीं और जिसके नाम की स्टार्टिंग में मोहम्मद है तो हम सर्च करना चाहें जिसके नाम की स्टार्टिंग में तो आपने जस्ट क्या कम करना है वो करेक्टर लिख के उसके बाद परसेंट लगाएंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि हम स्टार्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और फिर सेंटर मतलब आपको पूरे वर्ड के अंदर देखना है कि अगर कोई एक ऐसा करेक्टर हो चाहे कुछ भी तो जस्ट आपने क्या काम करना है उसको परसेंट uh, के साइन के बीच के अंदर आपको यूज करना है यानी दोनों साइड परसेंट का साइन लगाएंगे और बीच में वो आपको करेक्टर या वो नेम या वो वर्ड वो चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा और विवर्स ये क्या प्रैक्टिस हैं अगर आपने वेयर और ये सारे क्लोजेज आपको मालूम नहीं है तो आप वीडियो पर आइए हमारी प्रीवियस वीडियोज को भी देखिए और यूट्यूब पर उर्दू वीडियो लेक्चर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और विवर्स मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वीडियोज को शेयर भी कीजिए जो कुछ आपको भी आता है और आ, क्योंकि इलिम बांटने से बढ़ता है और वीवर्स हमारा यही लर्निंग एंड शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है ठीक है और आप मेरे इस आइडिया पर फीडबैक भी ज़रूर दीजिए मैं आपके फीडबैक का वेट करता रहूँगा तो वीवर्स अगली वीडियोज़ के लिए मोहम्मद फ़याज़ को इजाजत दीजिए असल